पटना में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलें क्या आप पटना में रहते हैं और क्या आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट में आपका या आपके माता पिता का नाम गलत हो गया है और क्या आप पटना में अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलना चाहते हैं अगर हाँ तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप पटना में एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम कैसे बदलें इसीलिए पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलने के लिए सबसे पहले आपको अपना एक गज़ट बनवाना होगा गजट एक कानूनी दस्तावेज है इसको बनवाने के लिए आपको इन तीन दस्तावेजों को बनवाना होगा पहला एफिडेविट बनवाना एफिडेविट बनवाने के लिए आपको किसी वकील से संपर्क करना होगा और उनको नाम बदलने की सारी जानकारी देना होगा दूसरा समाचार पत्र में प्रकाशन भेजना समाचार पत्र में प्रकाशन भेजने के लिए आपको अपने राज्य के भाषा के समाचार पत्र और अंग्रेज़ी भाषा के समाचार पत्र को सिलेक्ट करना है और उसमें नाम बदलने की सारी जानकारी लिखकर प्रकाशन भेज देना है तीसरा नाम बदलने का आवेदन पत्र बनवाना इसको बनवाने के लिए भी आपको किसी वकील से संपर्क करना होगा और उनको नाम बदलने की सारी जानकारी देनी होगी जब आपके ये तीनों दस्तावेज़ बन जाएंगे फिर आपको इन्हीं तीनों दस्तावेज़ों को गज़ट ऑफ़िस जो दिल्ली में स्थित है वहाँ ले जाकर जमा कर गजट के लिए अप्लाई कर देना है फिर 30 से 40 दिनों के अंदर आपका गज़ट गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा जहां से आप अपना गज़ट डाउनलोड कर सकते हैं जब आप अपना ग़ज़ट डाउनलोड कर लेंगे फिर आपको अपना गज़ट पुराना एजुकेशन डॉक्यूमेंट लेना है और आपने जिस बोर्ड से पढ़ाई की है उस बोर्ड ऑफ़िस में जाकर जमा कर नाम बदलने के लिए सूचित कर देना है फिर कुछ ही दिनों में आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदल दिया जाएगा हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी लेकिन अब भी अगर आपको कोई दिक्कत वाली बात लग रही है या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट में नाम बदलवाने में हम आपकी हेल्प करें तो आपके स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं